मोहाली दे सेक्टर 85 दे विच तीन चार दिन पहला हुई एक गड्डी स्नैच मामले च हुण CIA नूं एक वड्डी सफलता हासिल हुई है। बिल्कुल ब्रांड न्यू गड्डी सी ऑरा, हालांकि सेक्टर 43 तो ए बुक कराई सी इन ड्राइव तो, और उस तो बाद ए सेक्टर 90-85 साइड जिहड़े हैगे ओ गन पॉइंट ते खो के उत्थों फरार हो गए। हालांकि पुलिस कोल जद मामला पहुंचा तो इन्वेस्टिगेशन करदे हुए ह्यूमन ते टैक्निकली इंटेलीजेंस की मदद नाल इन्हां नूं काबू किया गया। तो दस दिए कि इन्हां नूं गुड़गांव के नेड़े तो काबू किया गया और एक गड्डी जिहड़ी है इन्हां कोलों रिकवर कर ली गई है। दोषी जिहड़ा हैगा रणजीत सिंह ए बठिंडा का रहण वाला है, तो एक उहदा साथी सतिंदर वीर सिंह ए कड़ुआ का रहण वाला, जिहड़ा हुण तक दी पुलिस वल्लों जानकारी दी गई है। एक हुंडई गड्डी जिहड़ी है ओह रिकवर कर ली गई है, टैंपरेरी नंबर, एक डम्मी पिस्टल और एक मोबाइल जिहड़ा खोया सीगा, इह सारा चीज़ां रिकवर की गई। साडे नाल CIA दे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ते SHO ने। सर, यह पूरी जिहड़ी वारदात हुई सी उस तो बाद पुलिस का किस तरह का एक्शन रहा, किस तरह की सफलता हासिल? जिहड़े अक्यूज ने दोनों, इन्होंने इन ड्राइव ऐप के थ्रू एक स्नैच्ड मोबाइल फोन तो कार बुक कराई सी, उस तो बाद जिहड़ा कार ड्राइवर सी उन्हां नूं इह एयरोसिटी रोड दे नेड़े इन्हां ने घेर के एक डम्मी पिस्टल उत्ते ला के डरा के कार लेके उत्थों फरार हो गए सी। ओके, ते टेक्निकल ते ह्यूमन इंटेलीजेंस दे थ्रू वख-वख एंगलां तों पड़ताल करदे होए CIA दी टीम ने इन्हां नूं गुड़गांवां दे नेड़े काबू कीता, ते उत्थों इह दोनों दोषी अरैसट होए ने, ते इन्हां कोलों जिहड़ा डम्मी पिस्टल सी ते व्हीकल रिकवर किया गया। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन से पता लग्या होवे पहला कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या प्रोफाइल? अज तक इन्हां दा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया, बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्हां रिमांड लेके जिहड़े तां सामने आउणगे उहदे बारे जाणू कराया। सर, ये पहली वारदात दस्या जा रहा है, तुसीं दस रहे हो कि पहली टाइम वारदात हुई है, इन्हां दा रीजन की सी गड्डी स्नैच करन दा? मोस्टली असीं मोस्ट ऑफ द केसिस देखिया कि एक कार नूं ट्रेस करके इहनूं अगे सेल कर दिंदे आ ते उहतों फाइनैंशियल गेन लैण दी कोशिश करदे ने। बाकी इहदी हजे असीं रिमांड ले के इन्हां दोनों दा, इहदा वध तों वध ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ CIA ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਗੱਡੀ ਸੀ ਔਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ 43 ਤੋਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 90-85 ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਊਮਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ इंटेलीजेंस की मदद नाल इन्हां नूं काबू किया गया। तुहानूं दस दिए कि इन्हां नूं गुड़गांव के नेड़े तो काबू किया गया और एक गड्डी जिहड़ी है इन्हां कोलों रिकवर कर ली गई है। दोषी जिहड़ा हैगा रणजीत सिंह ए बठिंडा का रहण वाला है, तो एक उहदा साथी सतिंदर वीर सिंह ए कड़ुआ का रहण वाला, जिहड़ा हुण तक दी पुलिस वल्लों जानकारी दी गई है। एक हुंडई गड्डी जिहड़ी है ओह रिकवर कर ली गई है, टैंपरेरी नंबर, एक डम्मी पिस्टल और एक मोबाइल जिहड़ा खोया सीगा, इह सारा चीज़ां रिकवर की गई। साडे नाल CIA दे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ते SHO ने। सर, यह पूरी जिहड़ी वारदात हुई सी उस तो बाद पुलिस का किस तरह का एक्शन रहा, किस तरह की सफलता हासिल? जिहड़े अक्यूज ने दोनों, इन्होंने इन ड्राइव ऐप के थ्रू एक स्नैच्ड मोबाइल फोन तो कार बुक कराई सी, उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਪਿਸਟਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੰਮੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੇਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ